साथियों आप सबको ध्यान है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है से अयोध्या विवादित स्थल के बारे में जाना जाता है और जो एम सिद्दीकी बनाम महंत सुदेव दास के नाम से पिटीशन याचिका दायर की और साथियों ये याचिका बहुत पुरानी है बहुत पुरानी तो आप 1904 से लगा सकते हैं और 22 और 23 दिसंबर 1949 को एक मूर्ति जो है वो मस्जिद के नीचे रख दी जाती है और क्लेम किया जाता है कि यहाँ पर जो है भगवान जो है क्यों पैदा हुआ। साथियों वहां से विवाद शुरू होता है और विवाद 19 में आके समाप्त होता है, हालांकि समाप्त नहीं हुआ। साथियों मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बाबा साहब का एक गुण करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को ध्यान रखूंगा। आप जो भी बात मुझे मैं जो भी बोलूंगा आप लोग को तो बाबा साहब और वो भी गवाह में काम कर रहा है। तो साथ ही जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है कि
करते हुए 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी, हिंदू पक्ष को कुछ नहीं दिया, उनको बोला कि आप पांचपुत्रा में जो प्रार्थना करते हैं वही करते रहे, और जो शादी जो विवाह स्थल है जो गुंबद के नीचे का जो हिस्सा है उसको भारत सरकार को दे दिया है। भारत सरकार को यह बोला है कि आप इस पर ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट बनाने के बाद उस पर निर्णय लीजिए, क्योंकि आपने जो है 1992 में एक एक्ट बनाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो अयोध्या स्थल जो एक्वायर किया गया था उसे एक एक्ट बना था लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें सेक्शन 6 और 7 के तहत जो भी लैंड एक्वायर की गई उसकी पूरी कंडीशन दी गई कि आपने जो लैंड एक्वायर की है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। साथियों वो जो सेक्शन 6 और 7 है उसको भारत सरकार इस्तेमाल करेगी, उसके बाद वो क्या करना है क्या नहीं वो निर्णय लेगी। साथियों मेरा तो इतना कहना है कि हमारी याचिका है अभी लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि हमने अपने याचिका में भारत सरकार को रिस्पॉन्डेंट बनाया, हमने किसी और पार्टी को किसी हिंदू पार्टी किसी मुस्लिम पार्टी को कोई रिस्पॉन्डेंट नहीं बनाया था, हमने रिस्पॉन्डेंट बनाया भारत सरकार को, क्योंकि भारत सरकार को ही अंत में उसको अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ ASI एक्ट के तहत उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करना है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, इसलिए हमने भारत सरकार बनाया। इसलिए साथियों इस मैटर में जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है हमारे मैटर को डी टैग करने का, मैं समझता हूँ उचित लिया है और हमारी हमारी जो सुनवाई होगी वो अलग से होगी और अलग से होने के बाद साथियों वो जजमेंट हमारे में आएगा, हमारे हक में आने का मतलब संविधान के तहत आएगा और हम भारतवासियों के हक में आएगा, जो भारत देश के हित में होगा शांति के हित में होगा उसी के तहत आएगा जजमेंट, और जजमेंट को हमें सम्मान के साथ एक्सेप्ट करना है। साथियों भी आपने बहुत सारे मैटर देखे होंगे कि जजमेंट आता है तो सारी ये समाप्त नहीं होती है, जजमेंट आने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम अपना प्राप्त करते हैं। साथियों हमें मिल जाएगा और ये विश्वास मानिए कि इस संविधान पर भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, हमें हमारा हक एक दिन जरूर मिलेगा और इसे हम लेकर रहेंगे। साथियों भारत बुद्ध के लोगों ने कभी भी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं वो कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकते, आंदोलन नहीं करना है हमें और हमें कई चीजों को मिक्स भी नहीं करना। साथियों राजनीति हमारी अलग है, बुद्ध धर्म के जो संदेश है वो अलग है और हमारे जो सामाजिक कार्य होते हैं वो साथियों अलग है, सब चीजों को आप मिक्स करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। साथियों इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए एक बात कहना चाहूंगा, मंदिर मिल जाए कि भटकते ही सही, मंदिर मिल जाए कि भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। तो साथियों हमें घरों से निकलना होगा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी, जो लड़ाई हमें संविधान के तहत लेनी है वो हमें संविधान के तहत ही और शांतिप्रिय तरीके से ही लेना होगा, और जो आंदोलन वाले रास्ते हैं वो आंदोलन तरीके से लेना होगा, जो सामाजिक कार्य है वो सामाजिक रास्ते से ही लेना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मेरे वक्तव्य को समझा होगा और इस याचिका पे यदि कोई मुझे भी लगता कोई शक शुबा होगी, और ये मान के चलिए कि इस याचिका की सुनवाई अवश्य अवश्य होगी। आज 17 तारीख है, 17 नवंबर 2019 और भारत के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है आज वो रिटायर हो रहे हैं, आज 12 बजे रात तक उनकी पावर है, आज वो रिटायर हो जाएंगे, कल से हमारे नए मुख्य न्यायाधीश जो है अपनी कुर्सी को ग्रहण करेंगे, उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी जो है बन रही है और हम उसी हिसाब से काम करेंगे और दूसरी पार्टियां जो स्ट्रेटजी बना रही है वक्त का थोड़ा इंतजार करना चाहिए, सबसे बड़ा वक्त जो है सबसे बड़ा भगवान होता है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद बहुत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।